कासगंज प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का मामला। कार्यवाही से नाराज भवन स्वामी बैठे धरने पर, हाथों में पट्टियां लेकर महिलाएं और पुरुष बैठे धरने पर। प्रशासन की तोड़फोड़ की कार्रवाई को बताया गलत। एसडीएम तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मांगे पूरी ना होने तक धरना खत्म ना करने की चेतावनी दी गई। कासगंज शहर के बिलराम गेट का मामला। आज धरना इस विषय में कर रहे हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी संपत्ति थी, निजी थी, बेनामे थे। हमारा डिग्री हुआ मामला न्यायालय से, हाई कोर्ट से डिग्री हुआ, कोई हमारे कागज नहीं देते महोदय एसडीएम साहब ने, बेनामे नहीं देते। और हमारे आए अनन पनन में आज से दो दिन पहले 3 बजे आक्रमण कर दिया, सारा ध्वस्तीकरण कर दिया। इससे भी पहले मानक के हिसाब से कार्य हो रहे थे, हमें चिन्हीकरण मिला, वहां तक हमने 3 फुट जगह 1.5 फुट पे आया, हमने 1.5 फुट और छोड़ के बनाया, निर्माण करा अपना। और ये एसडीएम महोदय को दिखाया, सर हम अपनी जगह बना लें, उन्होंने कहा आप बना लीजिए, आप सही हैं। और फिर आते हैं, फिर उनके मानक बदल जाते हैं और आकर के हमारे अंदर तक ध्वस्तीकरण कर दिया उन्होंने। मतलब हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, सरकारी विभागों की छवि खराब ना करे, हमें न्याय दे। एनबीसी न्यूज के लिए कासगंज से फहीम की रिपोर्ट।